लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ट्रक आया था उसे हमने भगा दिया भाई, इसीलिए वो और ट्रक के साथ आ रहे हैं। हमारा सामना करने की हिम्मत किसमें है, चलो देखते हैं। ए, शंकर पांडे की मर्जी के बिना तू यहाँ से ट्रक ले जाएगा? अपुन भी अपने भाई का हुक्म टाल नहीं सकता। ए, सारे ट्रक लेकर चला जा वरना जिंदा नहीं बचेगा। हम भी किसी से कम नहीं है। सारे ट्रक चला दो। करंट आता है, बिजली चमकी तो रोशनी होती है, और हमारा लखन आया तो समझो प्रलय आया। ए, ट्रक के साथ ऐसे भी जला दे। ए, तुझे ट्रक जलाने का बहुत शौक है ना, ये शुभ काम मैं ही कर देता हूँ। ये क्या भाई, ये खुद ही ट्रक जला रहा है। तुम्हें नहीं मालूम कौन सा माल कहाँ उतारना चाहिए? तेरे इलाके में उतारा तो तेरा, मेरे इलाके में उतारा तो मेरा। ये बात तुझे पता नहीं तो मुझसे पूछ। नारियल के तेल से खुशबू आती है, एसिड से बदबू आती है, और डीजल यहाँ वहाँ फैलता है, लेकिन पेट्रोल डाला ना भक से जलता है। दिखाता हूँ तुझे। शंकर पांडे तेरी औकात नहीं है कि तू पेट्रोल खरीद ले और तू ये ट्रक जलाएगा। हाँ, पुलिस को डरपोक, वकील को खुदगर्ज, विश्वास के साथ धोखा, नेताओं का लालच, ऑफिसर्स को आलसी नहीं होना चाहिए और मरने वाले को सोचना नहीं चाहिए। खोपड़ी में घुसी क्या? मैं तुम जैसे चमचों को मारा नहीं चाहता। मार डालो। Oh!
कैसे पकड़ते हैं ये भी नहीं जानता? पांच उंगलियों से पकड़ेगा तो धोखा खाएगा। तीन उंगलियों से पकड़, अंगूठे से दबा और छोटी उंगली से कंट्रोल कर। ऐसे इस तरह से पकड़ेगा तो तलवार को किसी भी तरह मोड़ सकता है। मेरी तलवार की धार के नीचे कितने आए ये मैं खुद नहीं जानता, और आज उनमें से एक तू भी होगा। बाबूजी कहाँ हैं? बगीचे में। कोई भी हरामजादा काम के लायक नहीं। पूरा गांव मेरे नाम से थर थर कांपता है। मार खाकर मेरे पास आने से अच्छा था कि हॉस्पिटल में मर गए होते। सब उन लोगों को मारने के लिए हम लोगों ने सब ट्रक रोक दिए थे और खुद मार खाकर यहाँ भागाए। पूरे दिन बैठकर शराब पीते हो और रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हो। जैसे ही थाली सामने आती है तो थाली के साथ साथ हाथ भी चाट जाते हो। क्या इसी के लिए पाला है तुम्हें? भाई हम लोग उसके ट्रक में केरोसिन ऑयल डाल दिए थे। केरोसिन ऑयल? भाई ए खड़क सिंह मालिक, तुझसे कहा था ना कि पेट्रोल देना। मालिक एक लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए है और घास लेट 30 रुपए में आता है। 40 रुपए मैंने अपने पेट्रोल के। हमेशा तू इसी तरह घपला करता रहता है। 50 रुपए के दारू के लिए मेरे 50 लाख के अरमानों पर आग लगा दी। देख किस तरह धुआं निकल रहा है। वो भट्टी का नहीं बल्कि मेरे कलेजे की आग का धुआं निकल रहा है। मेरा करोड़ों का कारखाना उसके बाप ने मुझसे छीन लिया। उसको जब तक मैं बर्बाद न कर दूं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। चुप कर, सांप ने मुझे काटा है। तू इतना क्यों तड़प रहा है? जाके देख सांप कहां जा रहा है। जाओ जल्दी सांप के पीछे जा। मेरी बीवी दूध ला कर रखी है, सांप वही पीने आया होगा। भाई सांप को देख लिया। भाई उसका पीछा करता रहे। भाई सब ठीक हो जाएगा। भाई भाई सांप अपने बिल में जा रहा है। भाई उसमें गया, उसमें संभल के। भाई भाई इसी में। भाई संभल के। भाई संभल के। Hey, मेरे आसपास इतने सारे लोग खड़े थे फिर भी तूने मुझे ही क्यों काटा? कहाँ से आया है तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे फुफकार कर डरा रहा है? तेरे तो सिर्फ दांत में जहर है, मेरे पूरे शरीर में है। प्यारे वो बाहर आकर इधर उधर देख रही है। कितने का माल है? गले में चेन है, कान में टॉप्स हैं, कम से कम 50,000 तो हो गई। Just shut up. भाई एक और आ रही है। हाय बेबी, लेट क्यों हो गई? ये तो बिल्कुल गुलाब जामुन है, बहुत टेस्टी लग रही है। अबे कोई भी हो, हमें उससे क्या, चल कॉल करते हैं। स्वाति हाँ, मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने 25 को है। ओके ओके। अच्छा देख तो जरा गटर कैसे खुला छोड़ रखा है। रहने दे, हमें क्या करना है, चलना है। मगर कोई गिर गया हम तो नहीं गिरे ना। चुप कर, इसे बंद करना होगा। इतना वजन हम उठा पाएंगे क्या? एक्सक्यूज मी, आप जरा यहाँ आएंगे। इसे बंद करना है, किसी ने खुला छोड़ रखा है, प्लीज। सोचा था क्या और क्या करना पड़ा। बीएमसी वाले भी क्या क्या कर रहे हैं। वो तो निकल रही है। भाई जल्दी फॉलो करते हैं। उस मॉल में गई है भाई, यहीं कहीं होगी आसपास। 2500, ये किसी फंक्शन के लिए ले रही हो क्या? नहीं, डेली यूज के लिए ले रही हूं। डेली यूज के लिए? उसके लिए तो कोई सस्ता वाला ही काफी है। गटर बंद करने वाला हमें फॉलो कर रहा है। सुन वो हमारे पीछे आ रहा है। अरे भाई राम, वो पुलिस स्टेशन जा रही है, किसी पुलिस वाले के घर की तो नहीं? डिटेल तो ओके है, लेकिन ये चक्कर क्या है यार? सर आप? अच्छा तो ये दोनों तुम्हें फॉलो कर रहे थे क्या? हाँ ये दोनों, ये ग्लोबल डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ ऑफिसर्स हैं। बताइए सर क्या बात है? दरअसल इस बच्ची की शादी है, लड़के वालों ने इसका कैरेक्टर रिपोर्ट मांगा है, इसीलिए हम फॉलो कर। सॉरी सर, इट्स ओके, यू कैरी ऑन। चलो तुम लोग। स्वाति लगता है लड़के वाले शकी मिजाज के हैं। मैं पिताजी से कहकर आज ही ये शादी रुकवा दूंगी। हेलो सुनिए, क्या बकवास कर रही हैं आप? कितनी सारी लड़कियां लड़कों का कैरेक्टर रिपोर्ट मांगती हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनका कैरेक्टर खराब है? शादी के मामले में लोग आस पड़ोस, दोस्त यार और रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं कि आखिर लड़का लड़की है कैसे। हम भी वही कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मानती हूँ, लेकिन लड़की को फॉलो करना गलत है। सुनिए
वो देखिए, जरा उन लड़कियों को देखिए। लड़कों को लुभाने के लिए उन्होंने कैसी कैसी ड्रेस पहन रखी है। कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, लड़कों को पटाने के चक्कर में पैंट चड्डी में बदल गया है। मैम, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज भी हमारे देश में कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी लड़कियाँ जिस्म की नुमाइश करते फिरें, ठीक है? इसीलिए लड़कियों का कैरेक्टर रिपोर्ट मांगा जाता है। आजकल के मॉडर्न जमाने में हर कोई एक दूसरे पर शक करता है। हम सच्चाई जानने के लिए आप लोगों को फॉलो कर रहे थे और आपकी ये फ्रेंड हर बात में खरी साबित हुई है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैंने सैल्यूट करूं, लेकिन तुम जरा सी लापरवाह। इन्हें हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स, तुम्हें सिर्फ 40 मार्क्स, तुम जस्ट प्रमोट पास हुई हो। देखो, मैं तुम्हें एक सही सलाह दे रहा हूं, अपने आप को जरा सा चेंज करो, फ्यूचर में अच्छा हस्बैंड मिलेगा। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। यू आर 100% एलिजिबल फॉर परफेक्ट मैरिड लाइफ। बाय। क्या हुआ पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं, क्या बात है? माँ, मैंने खाना रख दिया, जाकर तू खा ले। क्यों, आप लोग नहीं खाएंगे? चलिए उठिए। तुम्हारा इंतजार करते करते इसकी भूख मर चुकी है। माँ, तू कहीं भी रहे कम से कम एक फोन तो कर सकता है, कितनी चिंता होती है मुझे तेरी। तुम कभी फोन करके ये भी नहीं बताते कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। ये क्या है माँ? तू क्यों नहीं समझता, एक फोन की ही तो बात है। क्यों नहीं करता है? एक बच्चा फंस गया था माँ। क्या? गुंडों ने बच्चे का किडनैप किया है। तो फिर? 10 लाख रुपए का डिमांड रखा। दरअसल वो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा था माँ। उसके घर वाले पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन पुलिस की इज्जत का सवाल था। रातों रात बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने मुझसे हेल्प मांगी थी। बच्चे का क्या हुआ? उस बच्चे को मैंने ढूंढ लिया माँ, और गुंडे भी पकड़े गए। हमारा बच्चा भी मिल जाता तो। लक्ष्मी, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हमेशा वही बात दोहराती रहती हो। चुप हो जाओ ना, मत रो, चुप हो जाओ माँ, प्लीज प्लीज माँ। दादी कॉलेज जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी, ठीक है? साथ में कौन आ रहा है? मेरे साथ मेरी सहेली भी आ रही है। ये इसका बच्चा नहीं है, 2 साल पहले इसने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया था। अब इस बच्चे की माँ अपने बच्चे को वापस मांग रही है, यही प्रॉब्लम है। ये सब क्या है? तुम्हें अपने बच्चे को पालने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने गोद ले लिया। अब बच्चे को वापस मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? तू जी कहिए। मालिक, 2 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसकी माँ को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बेटा, तुमने अपनी मर्जी से बच्चा दिया था ना, अब वापस मांगोगी तो वो कैसे लौट आएगी? बच्चा खानदान में ही है, लड़ो मत, वापस जाओ। तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? कब, किस वक्त, कहाँ क्या बोलना चाहिए तुम्हें मालूम है? ठीक है, नहीं बोलूंगा। अब यहाँ कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा ना, तो मैं उसके बीच में कभी नहीं बोलूंगा। दादी माँ, बच्चा मजबूरी में दे या फिर अपनी मर्जी से, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे वापस छीनना, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी देखा जाए तो पैदा करने वाली माँ का भी जरा हक है, इसलिए दादी जरा सोचिए। और पापा, मैं खेत होके आता हूँ। हाँ बेटा, एक दिन लखन हमें छोड़कर चला जाएगा। क्या कह रही हो माँ, आखिर इसे आपने अपने हाथों से ही तो पाल पोस कर बड़ा किया है ना, अब इसे यहाँ ढूंढते हुए कौन आएगा माँ? और कोई आ गया तो हम उसे दे थोड़े देंगे, तुम टेंशन मत लो माँ। हाँ माँ। साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भास्कर, ये परेड किस लिए? इवनिंग में वीआईपी फंक्शन है सर, सिक्योरिटी की तैयारी चल रही है। गो अहेड। हाय फ्रेंड्स। हाय देव। मजे हैं तेरे? कैसा मजा? बढ़िया किस्मत है तेरी, हमेशा लड़कियों के पीछे तू रहता है भाई। हम लोगों को देखो, क्राइम डिपार्टमेंट में होते हुए क्रिमिनल्स के पीछे भागते हैं। लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। सी यू गाइस। क्या बात है, क्राइम वाले से बैरिज की बात कर रहा है? ये रात भर बाहर रहता है, इसके माँ बाप को पसंद नहीं है। अरे राम, मेरी बात सुनो ना। गुड मॉर्निंग। लड़की का कंप्लेंट आया है, एक आदमी का पता लगाना है, क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ? हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताऊंगी। क्यों? चुप रहना। ग्लोबल आई डिटेक्टिव एजेंसी। ए, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? चुपचाप चल। अरे नहीं, मैं ऑफिस गई तो फिर से मेरा पीछा करेगा, और मैं नहीं आती। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। ये रेफरेंस देखकर लगता है वो किसी बड़े खानदान की है। हाँ सही कह रहे हो। मुझे राम से मिलना है। अरे ये तो वही गुलाब जामुन है। ये एप्लीकेशन भर के ऑफिसर से साइन करवा लीजिए। स्वाति, आओ। हाय, हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। आओ बैठो ना। तो बोलो क्या बात है? मेरी शादी की बात चल रही है। हे कांग्रेट्स, गुड गुड। थैंक्स।
लड़का कौन है? वो मैं नहीं जानती। तुम जानती नहीं? घर पर बात चल रही है, इसीलिए उसका कैरेक्टर रिपोर्ट लेने के लिए उसका एड्रेस लाई हूँ। एप्लीकेशन दो। सब कुछ सही है। राम वासुदेव, मेरा नाम मूर्ति। क्या हुआ? ये एप्लीकेशन जरा चेक करना। राम वासुदेव, रोड नंबर 10, श्रीनिवास स्ट्रीट के सामने। ये तो तुम्हारा नाम है और तुम्हारा ही एड्रेस भी लिखा हुआ है। लगता है कुछ गोलमाल है भिड़ू। लग तो ऐसा नहीं रहा है। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू 7up का बेस्ट ऑफ एनर्जी वे। आज का चर्चा का विषय है शुद्ध नमक, इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाले नमक में से एक नमक। राम, जरा इस लड़की को तो देख। समुन्द्र के पानी में नमक होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बोरिंग के पानी में भी नमक होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और कितनी समझदारी की बातें करती है माँ। स्क्रिप्ट कोई और ही लिख कर देता है, ये बस पढ़कर सुना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं राम, तेरे घर वाले अंदर ही अंदर तेरी शादी की बात चला रहे हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं। क्या तुमने लड़के की फोटो देखी? फोटो तो आई है लेकिन मैंने नहीं देखी। क्यों? फोटो में अच्छा लगे और कैरेक्टर अच्छा ना हो तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसका कैरेक्टर जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। माना कि कैरेक्टर अच्छा हो और फोटो में वो अच्छा ना लगे तो चलेगा? उसके चेहरे से ज्यादा कैरेक्टर मायने रखता है, और मैं उसकी खूबसूरती के पीछे जाऊंगी तो आगे मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों, आप जरा समझाएंगे? आपको ये सवाल आपकी बीवी से करना चाहिए। इसे क्या पता कि मैं अब तक कूद रहा हूं। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? Give me 2 days time. I'll ask my guys to be on the job. And I... मेरा एड्रेस इस एप्लीकेशन फॉर्म में है। रिपोर्ट आप कुरियर से भेज दीजिए। या, या, या। जाने जा बाहों में आ जा, तू आके दिल की प्यास बुझा जा, आंखें मिला के दिल में समा के, चाहोगी कितना तुम मुझको बता जा। बोलो ना जानू जल्दी, बोलो ना खोलो ना खोलो ना, राज दिल का खोलो ना। अब जो मिले हो जाना, जानी जा जा बाहों में आ जा, तू आके दिल की प्यास बुझा जा। जुदा ना तू हो ना रे, ना तू हो ना
जाने जा जा बाहों में आ जा तू आके दिल की प्यास बुझा जा आंखें मिला के दिल में समा के चाहोगी कितना तुम मुझको बता जा बोलो ना जानू जल्दी बोलो ना खोलो ना राज दिल का खोलो ना अब जो मिले हो जाना जुदा ना तू हो ना रे ना 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 अरे स्वाति का मैं स्वाति बोल रही हूँ हाँ हेलो मैं उसे ही फॉलो कर रहा हूँ इनफैक्ट मैं उससे मिल भी चुका हूँ सच कहूँ तो वो बिल्कुल मेरे सामने ही है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इस वक्त तुम कहाँ हो मैं अभी एसटी स्ट्रीट में हूँ पांच मिनट में मैं ऑफिस के बाहर मिलता हूँ थैंक्स अरे यार यहाँ से माउंट रोड पहुँचने में सात मिनट लगता है और ट्रैफिक अलग तू पांच मिनट में कैसे पहुँचेगा तो फिर तू मत आना अरे अरे सुन तो अरे एक छोटी सी हेल्प चाहिए बोलो ना गलत मत समझना इसमें गलत समझने वाली कौन सी बात है जस्ट आस्क मी एनीथिंग मैंने तुमसे जो रिपोर्ट मांगी थी उस रिपोर्ट में वो लड़का खराब है कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है ऐसा रिपोर्ट मिलेगा क्या सॉरी मैं जानती हूँ मैं गलत कह रही हूँ हाँ लेकिन क्यों वो क्या है मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मम्मी पापा को नाराज भी नहीं करना है इसीलिए तो ये बात तुम उनसे कह मैंने क्रिएटिव का जॉब करने के लिए विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है एसटीवी में ज्वाइन किए हुए 6 महीने हुए हैं अब धीरे धीरे डेवलप करके मेरा बीबीसी तक पहुंचने का एम्बिशन है इसमें कम से कम 1 साल लगेगा हाँ, पर ये काम तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना शादी के बाद फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर रहना है अपना ख्याल रखना है परिवार का ख्याल रखना है साथ में पति के काम में भी हाथ बटाना है इसीलिए मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहती ये सारी बातें तुम्हें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए बताया था वो नहीं मान रहे शादी से इनकार करूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा अपने एम्बिशन के लिए माँ बाप का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो तुम लड़के का बैड कैरेक्टर दे दोगे तो शादी अपने आप रुक जाएगी उसके बाद कुछ महीनों तक मेरे घर वाले शादी की बात ही नहीं करेंगे इसीलिए प्लीज ठीक है मिल जाएगा अब तुम जाओ थैंक्स Addicted to drugs? कितनी बार कहा है शादी के लिए जल्दबाजी मत करो पर आप सुनते कहाँ हो छोड़ो ना माजी वक्त रहते संभलने का मौका मिल गया यू डोंट वरी स्वाति तुम्हें इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा राजमणि जी को आप कुंडली लेकर आने दो मैं दरवाजे से ही भगा दूंगी बिना कॉफी पिलाए सॉरी बेटा सॉरी जल्दबाजी में मैंने तुम्हारे लिए गलत लड़के को चुन लिया था इट्स ओके पा हेलो मैं स्वाति बोल रही हूँ स्वाति मेरे कहने पर आपने ये रिपोर्ट बनाई थैंक्स इट्स ओके मैंने कहा इसीलिए तुमने रिपोर्ट में ड्रग्स एडिक्टेड लिखा ना नहीं वो सच में ड्रग्स लेता है ओह थैंक गॉड क्या ओके तुमने जो रिपोर्ट में लिखा था वो तुमने क्यों नहीं बताया उसे अगर बता देता तो वो मुझे गलत समझती इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया वो अच्छी लड़की है उसे खुश रहने का हक है तुम शराब पीते हो सिगरेट पीते हो ये भी तो लिख सकते थे ड्रग एडिक्ट बताने की क्या जरूरत थी hey, अगर लिखता कि वो सिगरेट पीता है शराब पीता है और फिर भी शादी नहीं रुकती तो फिर हम क्या करते इसलिए वो लिखा मूर्ति विल यू स्टॉप दिस नाउ वो डॉक्टर सुब्रमण्यम का रिपोर्ट मैंने तैयार कर दिया ये तुमने अच्छा नहीं किया राम जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है शंकर भाई ने जो खेत बताए थे वो यही है चलो डालो ए तुम भी डालो सब डाल दो डाल दो ए चलो जल्दी करो जल्दी करो मालिक मालिक छोटे मालिक क्या हुआ इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो शंकर पांडे ने हमारा खेत जला दिया भैया क्या बोल रहे हो तुम हमारी फसल तो गई साथ में आपकी फसल भी जला दी और ये सब कुछ शंकर पांडे के आदमियों ने किया है चलो चलो अरे चलो जल्दी जल्दी आओ जाके सारे पंप चालू करो सारे पंप चालू करो जल्दी
मालिक मालिक मैं बर्बाद हो गया मालिक। ये शंकर पांडे कहाँ मिलेगा? वो हर बार कलेक्टर ऑफिस या पुलिस स्टेशन में होता है, वहीं होगा। सुन, जीप की टंकी में डीजल है ना? हाँ भाई डीजल है। मैंने सुना आप अपने लोगों के साथ यहाँ आए हैं, यही सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या बात है लखन भाई, कोई लफड़ा हुआ है क्या? तुम्हें इस वक्त आना पड़ा? इनके इलाके में किसी आदमी को गोली लगी होगी, वही कंप्लेंट लिखाने आए होंगे। सर आप उसे जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे कर दीजिए। उसे सलाखों के पीछे तो मैं भी पहुंचा सकता हूँ, अफसोस तेरा वो राइस मिल वहां जलकर राख हो रहा है। क्या? मुझे पता था कि आपसे मिलने आए हैं, इसलिए सोचा चलो बता देते हैं। ए, ए, क्या कह रहे तुम? कौवा इलेक्ट्रिक तार पर बैठा, शॉर्ट सर्किट हुआ और मेन बोर्ड में आग लग गई। अब ये बताओ तुम किसके खिलाफ रिपोर्ट करोगे? हाँ, कौवे के खिलाफ या करंट के खिलाफ? वैसे अगर करंट के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगे तो उसे छू सकते हो पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एक काम करो, कौवे के खिलाफ रिपोर्ट करवाओ और उसे पकड़ के जेल में डलवा दो। अरे साहब रिपोर्ट सख्त बनवाइएगा, कौवे को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ इंस्पेक्टर साहब बोले कि कौवे का रंग क्या था तो बोल देना काला था, जेल में डाल देंगे कौवे को। चलता हूं। अरे तो देख क्या रहे हो, पानी से आग बुझाओ। अरे अगर पानी कम पड़ रहा है तो टैंकर मंगवाओ, कैसे भी बुझाओ। लेकिन मालिक खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये वक्त हिसाब बताने का है, यहाँ से जा जल्दी और जाकर आग बुझाओ। जाओ। मालिक आपने लखन को एक झटका दिया लेकिन उसने तो आपको करोड़ों का झटका दे दिया। मालिक मुझे सिखाओ, जाओ यहाँ से। मालिक दारू की बोतल और पानी लेकर आ जाओ। जी मालिक। और हाँ इंस्पेक्टर साहब बोले कि कौवे का रंग क्या था तो बोल देना काला था, जेल में डाल देंगे कौवे को। मालिक आप यहाँ क्यों शराब पी रहे हैं? मालिक ट्रेन आ रही है, कट जाएगी। ये बात मुझसे क्यों कह रहा है? जाकर आती हुई ट्रेन को रोकना। मालिक जिद मत कीजिए, उठ जाइए। मालिक ए, मुझे क्यों उठा रहा है, ट्रेन को क्यों नहीं रोकता? ट्रेन को रोकना हमारे बस में नहीं है। अरे मालिक ट्रेन नजदीक पहुँच गई है, हट जाइए। सुनो अगर तुम लोगों ने अपनी बकवास नहीं बंद की तो यहीं लिटाकर चला जाऊंगा। मालिक हट जाइए, मालिक मालिक हट जाइए, मालिक कुछ कर दे, हट जाइए मालिक। आप तो मालिक है। मालिक आराम करो, मैंने कहा था ना चुप रहना, फिर भी अपनी बकवास से बाज नहीं आए। अच्छा ये बताओ किसने कहा था कि मालिक गए? ट्रेन आ गई थी मालिक, इसलिए। समझा था शोर में मुझे सुनाई नहीं देगा। क्यों स्वाति, तुमने प्रोग्राम में कहा था ना कि यहाँ की पूरी भाजी बहुत फेमस है, यहाँ की तलवार भी बहुत फेमस है। हाँ। अरे स्वाति, जिस लड़के के साथ तेरी रिश्ता तय हुआ ना वो पीछे बैठा है। आपको कुछ चाहिए? राइस एंड नूडल्स, थैंक यू। किधर है? अरे वो टी शर्ट वाला। यही वो लड़का है? हाँ वही है। तूने फोटो नहीं देखा क्या? मैं बहुत अपसेट हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। तू ही चाहती थी तेरी शादी रुक जाए तो रुक गई, भूल जा उसे। अरे ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, आखिर उसने वैसा क्यों लिखा? तुमने कहा इसलिए लिखा, या फिर तुम उसे पसंद नहीं आई होगी, तुम उसे अवॉइड करो इसलिए लिख दिया होगा। इतना सोच क्यों रही हो? कुछ और लिख सकता था, ड्रग एडिक्ट क्यों लिखा? उसने इसलिए लिखा होगा क्योंकि वो होगा। पर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता। लड़के ड्रग एडिक्ट है या कुछ और है ये बाद में पता चलता है जब उसके साथ रहने लगते है, समझी? अच्छा देखो अगर वो ड्रग एडिक्ट भी होता तो इजहार क्यों करता, मैं नहीं मानती। पता करते हैं। सर ये ड्रग्स उसके पास से मिले हैं। ओके ये रख दो। सर मैं शिरडी गया था, वहाँ की विभूति लेकर आया हूँ, आप टीका लगा लीजिएगा, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अरे रख के जाना यार, तू बाबा जी के दर्शन करने गया था या फिर पुजारी बनने? राम ये रिपोर्ट तैयार है। स्वाति नशे की गोली, ब्राउन शुगर, तुम कैसे दोस्त हो? ये तुम्हारे सामने ऑफिस में ड्रग्स ले रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो, ये कैसी दोस्ती है? स्वाति तुम्हें गलतफहमी हुई है। एक मिनट, गलत है, मैं सब समझ रही हूँ,
ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। स्वाति मेरी बात तो सुनो। प्लीज सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम क्या हो ये मैं जान चुकी हूँ। अब तुम मेरी सुनो। तुम मेरी इज्जत करते हो ना? कहाँ? तो अभी मेरे साथ चलो। अभी? सवाल मत करो, जस्ट कम विद मी। स्वाति कहाँ ले जा रही हो मुझे? अभी पता चल जाएगा। जनसेवा, ड्रग्स एंड एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। स्वाति यहाँ बैठ जाओ। ओके। स्टे हियर। ओके। मैं यहीं हूँ। सिक्योरिटी, ये ड्रग एडिक्ट है। इस पर कड़ी नजर रखना, कहीं भाग न जाए। मैं अभी आती हूँ। सर, ये मैडम क्या कह रही हैं? What is this, स्वाति? इन्हें यहाँ क्यों लाई हो? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ड्रग्स की आदतें छूट जाएंगी ना? Sit here. Excuse me. It's okay. राम को ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है। ये तो खुद ऐसे लोगों को यहाँ एडमिट करवा के उनकी हेल्प करता है। He's such a perfect guy. ऐसा क्यों लिखा? मैंने कहा इसलिए ना। नहीं। फिर ऐसा क्यों किया? Tell me, मेरी शादी रोकने के लिए? या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ इसीलिए मुझे अवॉइड करने के लिए किया? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है स्वाति, इसलिए मैंने ऐसा रिपोर्ट लिखा था। तुम तो मुझे तभी अच्छी लगी थी जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी। मैं तो पहली मुलाकात में तुमसे शादी करने के बारे में भी सोचने लगा था। किसी भी सूरत में मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकता। सच कहूँ तो मैं किसी का भी दिल नहीं दुखा सकता, खासकर तुम्हारा, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। मुझे इसके एम्बिशन की भी तो इज्जत करनी चाहिए, और जो लड़की पसंद आ जाए उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुश रहो स्वाति, इसीलिए लिख दिया। से तू सीना जोरी, तू चटपटी लड़की जादूगरी, आके लिपट जबाहों में मेरी। अरे आंखें मिला के दिल धड़का के, ना जा तू ऐसे दिल को चुरा के। उल्टा सीधा उल्टा सीधा बोलो ना तुम, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा बोलो ना तुम, उल्टा सीधा। जादू जा नखरे ना हमको दिखा, दिल पे ना मेरे छुरी चला। प्यार करने की मिल गई सजा, मैं जवां और तू भी जवां। भाग गई मुझको तो तेरी अदा, दिल हुआ रोगी दे दे तू दवा। ये मेरे दिल की धड़कन, धड़कन में तू है, सुन ले सजना ओ सजना। उल्टा सीधा उल्टा सीधा में हो गया उल्टा सीधा, उल्टा सीधा उल्टा सीधा प्यार में हो गया उल्टा सीधा। छोड़ेंगे हम ये साथ, अपना छूटे प्रीत अपना टूटे, प्यार की होगी जीत। उल्टा सीधा ओरे ओरे
छोरे छोरे क्यों तू मेरे पीछे पड़े। वो काम हो गया तो उसको भेज देना। ये क्या बाप बेटे दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो जो शंकर पांडे है उसने हमारे शुगर फैक्ट्री पर दावा ठोक दिया है सुप्रीम कोर्ट में, हम वहीं जा रहे हैं। वो शुगर फैक्ट्री उनके हाथ मत लगने देना वरना तेरे दादाजी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। दादी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चलता हूँ। चलो माँ जी, ये बरसों पुरानी दुश्मनी पता नहीं कब खत्म होगी। हमारा कालिया इस केस का गवाह है, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लखन कहाँ पैदा हुआ ये कोई नहीं जानता, वो हम लोगों का गुलाम बनकर रह गया। माँ बाप कौन थे ये भी नहीं पता, उसका भला बुरा सब कुछ हम ही लोग हैं। ये लीजिए कुंडली, मेरे नाम से जोड़कर उसकी कुंडली देखो। पंडित जी कहाँ से आए हैं? भाई साहब ये बड़े ज्योतिष हैं, ये प्रयाग से आए हैं, इस जन्मपत्री को देख कर सारी बातें बता देंगे। क्या हुआ, क्या हुआ पंडित जी? दादी माँ आपका बच्चा बहुत दानी है, अच्छे गोत्र का है, किस्मत और आयु बहुत उज्जवल है। परंतु परंतु क्या? ये बच्चा आपके यहाँ पैदा नहीं हुआ, सिर्फ पला बड़ा यहाँ है, उसका अपना निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अंकल 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 पैसे दो ना प्लीज, अंकल दो ना, बहुत भूख लगी है, प्लीज अंकल पैसे दो ना, बहुत भूख लगी है। सुनो जी, इन बच्चों को उनके माँ बाप ऐसे क्यों छोड़ देते हैं? इनके माँ बाप ने इन्हें नहीं छोड़ा है, बच्चों को किडनैप करने वाले गुंडे इन्हें किडनैप करके भेख मंगवाते हैं और खुद ऐश करते हैं। क्या हुआ लक्ष्मी? तो फिर हमारे जैसे इनके माँ बाप भी रो रहे होंगे ना जी। रो मत लक्ष्मी। राधे श्याम, वो जो लेडी है वो भीख मांगते बच्चों को देख कर रो क्यों रही है? एक औरत तभी रोती है जब उसे अपने बच्चे की या पति की याद आती है। तुम्हें अपने बेटे को देखना था ना, वो देखो रहा। राम माँ कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे कोर्ट गया था, देखना वहीं से आ रहा हूँ। बेटा घर जाके खाना खा लेना। नहीं माँ ऑफिस में बहुत काम है, मैं होटल में खा लूंगा। अरे वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है यार। कौन से होटल में खाओगे? श्रवण भवन में। सुन गाड़ी श्रवण भवन ले चल। हम लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे, तुम भूल गए हम किस काम से जा रहे हैं? हम भी वहीं आ रहे हैं। ओके मिलते हैं। सर किसे ढूंढ रहे हैं? सर मेरे पहचान के कुछ लोग लंच के लिए आने वाले थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। बगल में हमारी एक और ब्रांच है, आप वहाँ जाकर देख। और क्या लाओ मैडम? एक एप्पल जूस लाओ। एक मिनट मैडम। सर ये लीजिए चाबी का गुच्छा, आपकी माँ भूल गई थी। क्या बात कर रहे हो? आपने जिसके साथ खाना खाया वो आपकी माँ ही थी ना? दादी माँ, दादी माँ। क्या है बेटा? दादी माँ मैंने चेन्नई में अपने जैसे एक आदमी को देखा दादी, सिर्फ उसे ही नहीं मैंने उसके माँ बाप को भी देखा। क्या चेन्नई में हमारा कोई रिश्तेदार है क्या? मुझे लगा वहां कोई हमारे संबंधी है पिताजी। बच्ची को टीवी पे देख देख के मेरा लड़का उसे बहुत चाहने लग गया, अब आप लोग ना कहेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। हर काम का एक वक्त होता है। मैं कोई रिश्ता लेकर आया तो तुम बिना कॉफी पिए भगा दोगी, यही कहा था ना? अगर आज आप लोग राम और सीता का रिश्ता तय करते हैं तो इन्हें तिरुपति ले जाकर मुंडन कराने की जिम्मेदारी। शादी में मुंडन कैसे? किसी भी शुभ काम के लिए हाँ। मन्नत मांगी जाती है ना, तो मैंने मन्नत क्या मांगा? मुंडन करवाने की। ठीक है ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा। ये तो क्या कह रहा है बेटा? पहले स्वाति का एंबिशन पूरा होने दीजिए, ये जिस दिन बीबीसी पर क्वीन एलिजाबेथ का इंटरव्यू लेगी उसी दिन मैं शादी का डेट फिक्स करूंगा। वेरी गुड आइडिया। ये बात है, मैं तो डर ही गया था। तुम भी ना, मुझे तुमसे तुरंत शादी करनी थी, तुमने उसे और एक साल लेट कर दिया। लेकिन तुम्हारे एम्बिशन का क्या हुआ? शादी के बाद मैं जॉब कर सकती हूँ ऐसा तुमने ही कहा था ना? शादी के बाद तुम्हें घरेलू औरत बनकर नहीं रहना, ये तुमने कहा था ना? वो तो उस दिन कहा था लेकिन आज शादी करने का मन कर रहा है। जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आप तो देहाती की तरह बातें कर रहे हो। अरे मैं तो पैदा भी देहात में हुआ हूँ। मैं कल अपने गांव जा रही हूँ। गांव जा रही हो? क्यों? एक न्यूज कवर करनी है, उसके लिए जा रही हूँ। मादुराई के त्रिभुल्लम तालुका अनंत गांव के निवासी श्री त्यागी राज जी के इकलौते सुपुत्र। इकलौता क्यों कह रहे हैं? उनसे कहिए ना, हमारे दो बेटे हैं। हमारा जो बच्चा हमारे पास है आज उसकी मंगनी है। तुम दूसरे को बीच में क्यों ला रही हो? हम अपने दूसरे बेटे को भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? अभी चुप रहो, उसकी यादें हमारे साथ हैं। ए खड़क सिंह, उस लखन के साथ और कौन कोर्ट में जा रहा है? उसका एक चमचा है मणि, वो उसके साथ जा रहा है। मणि? वो तो मेरा कर्जदार है, बहुत पहले लिया था, भूल गया है। ये भूल उसे भारी पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे भूलने देंगे? फॉस्फोरस को सिल्वर पेपर में लपेट कर सारे ताड़ी के पेड़ों में फेंक देंगे। जब फॉस्फोरस फटेगा तो सब जल जाएंगे। अरे यार, भाई साइंटिस्ट है क्या? भाई को आग के जलन का पता नहीं है, लेकिन आग से जलाने का पता है। सुन, अगर तू फॉस्फोरस की जगह कोई और पाउडर लेकर आया ना तो तू मालिक, मालिक, मेरे पैर, मेरे पैर, मालिक, जा, जा, मेरे जा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रेडी, रोल। हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस वक्त चेन्नई के पास का एक छोटा सा गांव। इसे देखते ही आपको अपने गांव की याद आ जाएगी। आपको बता दूं, ये गांव गन्ने की पैदावार की वजह से जाना जाता है, इसीलिए क्या हो रहा है ये शोर कैसा? खेतों में आग लगा दी? कौन है ये शंकर पांडे? बहुत अच्छा इंसान है, पहले सिगरेट जलाता है, फिर बुझाने के धान के खेत में फेंक देता है। कितनी भी अच्छी फसल वो जलकर खाक हो जाती है। ये कैसा जुल्म है, आप ये क्यों सहन करते हो? बरसों से हम लोग उसका ये जुल्म झेल रहे हैं। भाई हमारे सारे के सारे ताड़ के पेड़ जला कर रखे हैं, हमारा क्या होगा? भाई हमें बचा। इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? हमारा शेर लखन वहाँ गया, अभी आता ही होगा। इसका जवाब हर हाल में शंकर पांडे को देना होगा। नहीं चाचा, किसी और का घर जला के हम उसे सबक नहीं सिखा सकते। इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है, हमें उसे सबक सिखाना होगा। बेटी, हमारा शेर लखन आ रहा है। ए मनु, कम ऑन, उसे शूट करो। क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है राम। आप भी शौक हो गए ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20 सालों से मेरी माँ जिस बच्चे का जिक्र करती आई है, शायद ये वही है। मतलब वो तुम्हारा सगा भाई ही है। उसे जरा गौर से देखो, इनकी मूछें छोड़कर शेव कर ले तो बिल्कुल तुम जैसा है। ये बात हमें माँ बाप को बतानी चाहिए, खुश हो जाएंगे। माँ को ये बात बताना इस वक्त बहुत जल्दबाजी होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा भाई नहीं हो। मैं खुद वहां जाकर ये पता लगाता हूँ कि सच्चाई क्या है। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं स्वाति, किसी को शक नहीं होना चाहिए और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हम सब वहां एक साथ नहीं जाएंगे। फिलहाल तो मैं वहां अकेला ही जाऊंगा और मेरा यहां का सारा काम तुम संभालोगे। अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे फोन करना। ओके। अच्छा सुनिए, यहाँ आसपास कोई लॉज है क्या? चले जाइए, पास में ईश्वर नाम का लॉज है। भाई साहब, ये ईश्वर लॉज कहाँ है? यहाँ से सीधा। भाई, वो लोग इसी लॉज में ठहरे हैं, इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाजू वाला कमरा बुक करो। भाई, गांव की तरफ यहाँ से बस सुबह 11:30 बजे जाती है। अच्छा सुनो, हम पहुँच गए हैं, वो लोग यहाँ नहीं है। ठीक है। ये लीजिए चाबी, मैं शाम को आऊंगा। ठीक है, लगता है वो गांव छोड़ के भाग गया है। आइए, वही है, लगता है हमें ढूंढते हुए आया है। चल निकल ले, चुपचाप निकल ले। ये लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? ये
आपकी बस का टाइम हो गया है। हेलो भाई। हाँ बोल, क्या हुआ? लखन ने हमारे आदमियों के हाथ काट डाले। दे, वो आदमी बैठा है वो लखन जैसा लग रहा है ना? हाँ, दाढ़ी मूछें बढ़ा ली है इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। लखन बस से आ रहा है, ये बात भाई को बता देते हैं। क्या बक रहा है तू? भाई, मैंने अभी देखा उसे गांव जाने वाले बस में। लखन बस से आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो हम तक पहुंचे उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। देख लेते हैं आज उसे। गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं जाएगी। चलो बेटा, वो तुम्हें ही मारने आए हैं, भागो यहाँ से। चलो जल्दी नीचे उतरो। उतरो उतरो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लखन बस लेकर यहाँ से भाग रहा है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। उसे छोड़ना मत, पीछे लगे रहो। मेरे इलाके से पहले एक ब्रिज आता है, वहां बॉम्ब रखकर उसे उड़ा दे। कोशिश मत करना। ए, चल, 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 चल।
कौन हो तुम? राम, लखन को ढूंढने आया हूं। माना कि ये सच कह रहा है, लखन मेरे घर का बच्चा है, कोई उसे अपना कह दे तो मैं कैसे मान लूंगी, वो मेरा पोता है। दादी माँ, आप जरा गौर से सोच कर देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम दोनों जुड़वा भाई ही हैं। तुम चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बेकार बात मत करो, जाओ यहाँ से। सुन लिया ना, अब जा यहाँ से। तुझे शंकर पांडे के आदमियों से बचाकर गलती की, अब जाना। भाई साहब, एक बार मुझे शंकर भैया से मिलने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्यों मिलने दे, तेरा क्या वास्ता है उससे? देखो बेटा, हम तुझे नहीं मिलवा सकते और वो मिलना भी नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, आप उनका बर्थ डेट बता दीजिए। ए, तू कौन होता है उसका बर्थ डेट मांगने वाला? देखिए सर, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उनका भी होगा ना ऐसा कुछ? ए, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जाओ। सुन लिया ना, अब जा यहाँ से, चल निकल, जा यहाँ से। 25 नहीं, 24 मई की रात को मेरी माँ ने दो जुड़वा बच्चों को कार में जन्म दिया था और उसी रात उसमें से एक बच्चा गायब भी हो गया। आपका पोता कब पैदा हुआ ये आपको नहीं पता है? जिस दिन वो आपको मिला उस दिन को आप उसका जन्मदिन मान रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे इस बच्चे को छोड़ दीजिए, आपके पोते हैं, अगर आप सच करिए तो कसम खाइए ना, कसम खाइए ना, कह दीजिए लखन भैया आपके पोते हैं। लखन मेरे कुल की संतान नहीं है, मैंने उसे पाला है, उसे मुझसे मत छीनो, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिछले 25 सालों से मेरी माँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, बड़ी मुद्दत से आज वो मिला है दादी माँ। एक माँ का दर्द आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैंने 25 सालों से उसे कलेजे से लगा कर पाला, दिन रात अपना खून पिलाकर उसे सींचा है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए, मैं तुम्हें कैसे सौंप दूँ? मैं कभी नहीं सौंपूंगी। लखन भाई की गाड़ी आ रही है, जाओ यहाँ से, जाओ सब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के भगवान के लिए यहाँ से निकल जा, यहाँ से, मैंने बोला ना भगवान के लिए तू यहाँ से निकल जा, चला जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा लखन भैया से मिले बिना, नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं जाएगा, उठाओ इसे, भागकर जा यहाँ से, तो गांव से निकल जा। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, ले जाओ, ले जाओ। गाड़ी पीछे लो, पीछे लो। ए, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बाहर मत ले जाओ। क्या हुआ दादी, सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनिए पापा, मैंने उन लोगों का हाथ काट दिया है और अपने लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़कर आया हूँ। वकील को फोन करके उनकी जमानत करवा लीजिए। तुम इस घर में तब आए थे बेटा जब तुम्हारे बड़े पापा और पापा की कोई औलाद नहीं थी। जब तुम मिले तो तुम्हें ही सबने अपनी छाती से लगाकर पाला कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें अपनी औलाद बनाने के लिए पुलिस स्टेशन में दिया हुआ कंप्लेंट वापस ले लिया। दादी आप रो रही हैं? दादी मैं आपका ही पोता हूं दादी। हाँ दादी, मेरे लाल, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, मैंने मैंने कहा ना रोइए मत, मैंने कहा ना मत रोइए, शांत हो जाइए। ए, निकल यहां से लखन। चुप, अब तो तू बहुत खुश हो गया होगा, क्या हुआ, तसल्ली हो गई तुम्हें, अब जाओ यहां से। लखन हमारी माँ वहाँ। ए, वो तस्वीर देख रहा है, वो है मेरे माँ बाप और ये है मेरी दादी, चाचा चाची और ये है मेरी बहनें, यही मेरी दुनिया है, अब जाओ यहाँ से। तू चलकर एक बार माँ से तो मिलने भाई। अरे चल, भले ही किसी ने मुझे पैदा किया हो पर ये दादी और इनका परिवार ही मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे पाला है। तुम पैदा होते ही हमसे बिछड़ गए थे मेरे भाई, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है मैंने, लेकिन तुम ऐसा बर्ताव करोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था।
तुम सच्चाई नहीं मानोगे, इसकी उम्मीद उम्मीद भी नहीं थी। क्या मैं सिर्फ दो दिन के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? भाई तुमने यहाँ कर सबका दिल दुखा दिया है, और यहाँ पे रहकर इन्हें और परेशान मत करो। बेटा रहने दो, दो दिन नहीं बेटा, जब तक तुम चाहो रह सकते हो। नहीं दादी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, ये भी तो अपना ही बच्चा है। आ जाओ बेटा, आओ आओ भैया, चलो अंदर, चलो चलो इसे अंदर ले जाओ, जाओ बेटा। ए, तुम लोगों का हाथ कट गया ये सुनकर के भाई खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ भाई। तो हाथ की जगह सिर क्यों नहीं कटवा लिया? अपने आप को मर्द कहता था, यही मर्दानगी है तेरी? मार खाकर आ गए, वो जैसे ही बस छोड़कर भागा था तलवार से काट क्यों नहीं दिया? सारे के सारे कबड्डी खेलते रहे। भाग जाए उसे, भाग जाओ, मैं तुम लोगों की सूरत नहीं देखना चाहता। डॉक्टर मनोहर प्रसाद जी सर, क्यों बे, कोर्ट से मुंह छुपाने से तू मर जाएगा? सुनिए मालिक, वैसे भी हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मैंने 15 लोगों को बिहार से बुलाया है, वो बाहर हैं। किसी के भी हाथ पैर काटने होंगे तो कम पैसों में हो जाएंगे। क्या बात है, मेरी फौज के ये 15 पहलवान उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, और तू उन बिहारियों को बुलाकर मुझे चूना लगाना चाहता है? अच्छा ये बता, तू उनके बारे में इतना जानता कैसे है? तू भी वहीं से है क्या? मेरा ससुराल वहाँ है। मुझे लगा ही था कमीशन खाना चाहता है। मैं समझ गया, बेटा 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 लखन, जाते समय टोकना तो नहीं चाहिए लेकिन। दादी पंचायत की छोटी सी मीटिंग है। अरे भाई साहब सुनिए। क्या बात है भाई? यार हर कोई जब देखो तब तलवार लेकर क्यों निकलता है, और ये शंकर पांडे कौन है, उसका इस खानदान से क्या रिश्ता है? अच्छा वो उसकी 15 साल पुरानी एक लंबी सी कहानी है। लखन के दादा शिवराम जी के इजाजत के बगैर इस गांव में कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता था। नमस्ते, क्या बात है आप सब यहाँ? शंकर पांडे ना हम मजदूरों की मजदूरी दे रहा है और ना ही गन्ने के सही दाम दे रहा है मालिक। मैनेजमेंट से पूछा तो कहते मालिक से बात करो। उस इलाके का सेठ कौन है? गजानन श्रीनिवास और रामनाथन है। ये क्या बात हुई, आप दोनों ही शक्कर मिल के मालिक हैं? क्यों हम लोग मालिक नहीं हो सकते क्या? भाई साहब सब लोगों का कहना कि शक्कर मिल के मालिक आप ही हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो शक्कर मिल का मालिक शंकर पांडे है, ये बात शिवराज जी जान गए। कृषि मंत्री भी शंकर पांडे ही था। शंकर पांडे शक्कर मिल के आड़ में बहुत कुछ घोटाला कर रहा था। शिवराम जी ने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। शक्कर मिल की आड़ में तुम जो काले कारनामे करते हो उसके लिए तुम्हें गिरफ्तार करने आया। क्या बकवास कर रहे हो, मैं एक मंत्री हूँ, आपको अरेस्ट करने के लिए सीएम साहब का ऑर्डर आया है। उस घटना के बाद शक्कर मिल को सील कर दिया गया, उस वक्त इलेक्शन का टाइम था। पार्टी ने तुम्हें फिर से टिकट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें ये इलेक्शन जीतना ही है। अगर तुम ये हार गए तो पार्टी से तो जाओगे साथ में सजा भी भुगतोगे। खुद को बचाने के लिए शंकर शिवराम जी के सामने झुक गया, लेकिन शिवराम जी नहीं माने। घोटाला तुम्ही ने किया है तो भुगतेगा तू ही, चलो। उस इलेक्शन में शंकर पांडे की जमानत जब्त हो गई, कोर्ट में वो गुनहगार साबित हो गया, उसे 3 साल की सजा हुई। उस शक्कर मिल को शिवराम जी ने फिर से चालू करवाया। जेल से छूटने के बाद शंकर पांडे ने एक चाल चली, घर लौटने की खुशी में एक पार्टी दी और शिवराम जी के परिवार को खाने में जहर मिलाकर मार डाला। नहीं ठीक है, आप यहाँ आए हमें बहुत खुशी हुई। सुनिए जी रुक जाइए। नहीं नहीं रुक जाइए, क्या करें? नहीं उन्हें मत मारिए, मत मारिए उन्हें। जहर देने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई तो शिवराम जी को रास्ते में रोककर उसने तलवार से काट डाला। उस दिन से शंकर पांडे से इस खानदान की दुश्मनी चली आ रही है। उसे इलेक्शन में हारने की वजह वो शिवराम जी के खानदान को मानता है, इसीलिए वो यहाँ के एक एक शख्स से बदला लेना चाहता है। इसीलिए यहाँ से कोई भी बाहर जाता है
तो तलवार साथ में ले जाता है। माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं, भाई के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। बकवास पड़ा हुआ। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। वैसे ये तुम्हारे माँ बाप हैं क्या? ये देखो, ये मेरे माँ बाप। अब बंद भी करो। ठीक है, चलो भाई मैं चुप हो जाता हूँ। ये चाबी का गुच्छा यहाँ कैसे है? बोलो भाई, ये कहां से आया? ये गुच्छा तुम्हारे खानदान की निशानी है। तुम्हें पता है किसका है? हमारी माँ का है। इसे उनकी ममता ने तुम तक पहुंचाया है। वो सब छोड़ो, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? पहले ये बताओ, बताओ। मैंने माँ को देखा है, सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम्हें और पिताजी को भी देखा है। चाचा जी, मैं चलता हूँ। चाची, चलता हूँ। बहन, जाता हूँ। दादी माँ, मैं जा रहा हूँ। आप लोग खामोश क्यों हैं? मैं सच कह रहा हूँ दादी माँ, मैं लखन से मिला था और लखन से मैंने बातें भी की। ये बात मैं अपने माँ बाप से किसी भी हालत में कभी नहीं बताऊंगा। हेलो। बोलो स्वाति। तुम कब आ रहे हो? सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अपने भाई को भी साथ ला रहे हो? अरे वो मेरा भाई नहीं है, कोई हमशक्ल था। ये क्या कह रहे हो? वह जो तुम सुन रही हो, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ और आखिरी दम तक ढूंढूंगा उसे। फोन रखो। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। आगे तक ड्रॉप कर दो ना। तुम यहाँ से खुद जा सकते हो। तुम्हारा दिल तड़प रहा है ना, जन्म देने वाली माँ के साथ ना इंसाफी चुकी है। मैं सुकून से जी रहा था, तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। तुम सुकून से जी रहे थे, लेकिन हम सुकून से नहीं जी सके आज तक। पैदा होते ही बिछड़ गया, इसमें मेरी क्या गलती है? 25 सालों से जो मां तड़प रही है, उसमें उसकी क्या गलती है? मर तो मैं उसी दिन गया था भाई। इस शरीर में सिर्फ सांसें बची हैं। अपनी जान से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान प्यारी है। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहूं तो भी मैं नहीं ले जा सकता भाई। अपनों से बिछड़ कर जीना कितना मुश्किल होता है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम जिंदगी भर उसी खानदान में रहना, ये मैं तुम्हें भाई के रिश्ते से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? मेरा एक कहा मान ले भाई, तुम सिर्फ 10 दिन के लिए या सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सही माँ बाप के साथ रहो, उसके बाद मैं कभी जिद नहीं करूंगा। ये तो क्या कह रहा है, कोई जन्म देने वाली माँ की गोद में जाकर उसे छोड़कर कैसे आ सकता है? हाँ ये बहुत आसान है, कुछ भी मत बताना। तुम वहां मैं बनकर जाना, अगर वहां मन नहीं लगा तो वापस लौट कर आ जाना। धत, ये कैसी बातें कर रहा है तू? यही तो नियति है, तुम्हारा गाड़ी से आना, सिग्नल में रुकना, तुम्हें देखकर मेरा यहाँ पर आना, तुम्हारा माँ के लिए और माँ का तुम्हारे लिए तड़पना, तुम जहाँ हो वहाँ आकर मेरा 2 दिन तक रुकना, मुझ पर उठा हुआ तुम्हारा हाथ रुकना, तुम्हारी तड़प और मेरे आंसू, ये सब नियति ही है। ये सब किस्मत का खेल है तो और क्या है? आओ आओ। आप? मेरा नाम मूर्ति है, मैं राम का दोस्त हूँ। माँ, क्यों रुका है बेटा? क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू?
माँ वो आजकल काम ठीक से नहीं चल रहा ना, इसीलिए थोड़ा टेंशन में है। आजकल अगर काम ठीक से नहीं चल रहा है तो आगे जाके ठीक से चल जाएगा बेटा। अब तू उदास होना बंद कर, चल अंदर जाके खाना खा ले। सुनो मूर्ति, तुम खाना खाकर जाना। वो क्या है कि सुबह मैंने ज्यादा खा लिया था, अभी तक हजम नहीं हुआ है। क्या बात है जी, राम इतना बदला हुआ से क्यों लग रहा है? आओ बेटी। राम आ गया क्या अंकल? हाँ आ गया बेटी, अंदर है। दो दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैंने। ये स्वाति, राम की होने वाली बीवी। एक्चुअली मैंने आपको सबसे पहले गांव में देखा था। व्हाट अ सरप्राइज, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दिन भर घर से बाहर रहता है, आते वक्त अगर बलाए बाहर छोड़ आए तो नजर नहीं लगती। चल उठ, नजर उतारूंगी। थूकना बेटा। मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम तीनों नीचे आकर खा लेना। देखा, माँ ने भी आपको राम ही समझा है। जाते समय आप लखन हैं, ये इन्हें बताकर जाइएगा। शंकर पांडे भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो भैया से मिलने आया हूँ। भैया दिन में भी सोते रहते हैं, 6 बज रहे हैं और भैया अभी भी सो रहे हैं। अरे शंकर पांडे भैया, अरे उठिए ना, उठ जाइए। अरे वाह, उठ गए आप तो। हाँ? कैसे हैं आप? तू यहाँ कैसे? अरे मैं यहाँ लफड़ा करने नहीं आया हूँ। एक बात बताइए, झगड़े हम दोनों करते हैं, दुश्मनी हम दोनों के बीच में। पिसते हैं वो गरीब, बोझा उठाने वाले, शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले बेचारे, जितने भी मजदूर हैं सब हमारी वजह से परेशान है। क्या हम लोग सही कर रहे हैं भैया? पता है मैंने एक फैसला किया है। तलवार लेकर आ, तलवार। क्या? तलवार लेकर आ, तलवार। ए जाओ अपना काम करो। हम तो काम ही कर रहे हैं। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे सिर से धड़ अलग कर सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, पर अफसोस कि मैं इसके लिए नहीं आया। वर्षों पहले तुम्हारी गलती की वजह से सजा हमने भुगती, मेरे पास सबूत भी है। शंकर पांडे, तुमने मेरे माँ बाप को जान से मार दिया था। चुप! मुझे उसने मंत्री की कुर्सी से नीचे उतार दिया। मेरी 40 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो शुगर फैक्ट्री, उसने उसे गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। पूरे 3 साल तक जेल में सड़वाया, ये मैं भूल जाऊं? ठीक है, चलो सारी गलती हमारी है, तो तुम्हारे पैर छूलूं क्या? यही छूलूं? या बाहर रोड पर, या भरे चौराहे पर, पूरे गांव के सामने? तुम तो मेरे बड़े भाई जैसे हो, तुम्हारा पैर छूने में कैसे शर्म? एहसान, जब तक मैं तेरे खानदान के हर एक आदमी को मार ना दूं, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। भाभी सुना आपने, लगता है भैया सठिया गए हैं, इन्हें समझा लीजिए, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। आपके मंगलसूत्र पे मुसीबत आई तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, आपको बता रहा हूँ। मेरे खानदान को दोष मत दीजिएगा। अच्छा पैर छू। नहीं नहीं, बस बस सुखी रहो। चलता हूँ, जरा समझाइए इनको। कमीनी, उसे आशीर्वाद दे रही है ताकि मैं, तेरा पति बर्बाद हो जाए। मैंने तुझसे कहा जानदर से तलवार लेकर आ, और तू मंगलसूत्र की चिंता छोड़ मेरे दुश्मन को आशीर्वाद दे रही है। चाचा जी, शंकर पांडे कोई नया चाल चलने वाला है, और हम उसके हर चाल का उसी के तरीके से जवाब देंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम उसके हम पर हमला करने से पहले उस पर ही हम खुद हमला कर देते हैं, और उसके उठे हुए सर को सांप की तरह कुचल देते हैं। ये नामुमकिन है। शुरुआत कर दी है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। शंकर पांडे, तेरे दिन पूरे हो गए। किधर है? कौन है? कौन है आप लोग? कहाँ है तुम्हारा लड़का? बुलाओ उसे। कौन है? क्यों आए? बकवास बंद कर, बुलाओ उसे। आप लोग कौन है? मेरे घर में आकर दादागिरी कर रहे हैं? मेरा भाई शराब पीता है, हथियार रखता है, 4 बार जेल जा चुका है, यह उसकी प्रॉब्लम है। तेरे लड़के ने फोन करके मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों किया? राम बेटा, वो लोग अंदर हैं। बेटा बेटा सुन तो। राम होता तो इस मैटर को बातों से सुलझा देता, लेकिन तुम हाथ मत उठाना। भाई ये आ गया। क्या रे, तू पुलिस कमिश्नर है कि सीबीआई ऑफिसर? भाई के खिलाफ कंप्लेंट क्यों की? सुनो जी, अंदर क्या हो रहा है जी? तेरी वजह से लड़की वालों ने हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया, बेइज्जती करा दी तूने। अभी इज्जत से बाहर जाओ, जो भी बात करनी है कल ऑफिस में करेंगे। डिटेक्टिव ऑफिसर है तो क्या हम पे हुक्म चलाएगा तू? कहा ना, बाहर जाओ। मुझे गर्व है कि मैं एक बाप का औलाद हूँ, तू कितने का है रे?
जा पहले उसके खिलाफ कंप्लेंट कर। समझ गया? तो एक ही है, औलाद दो है। क्या बात है राम, तू आजकल नेताओं के पीछे पड़ चुका है, तुम्हें कुछ टेंशन तो नहीं है ना? पुलिस वाले नेताओं को मारेंगे तभी तो सुधरेंगे ना। इन सब का जिम्मेदार शंकर पांडे का जंगल राज है। एनीवे, शंकर पांडे पर हमें कड़ी नजर रखनी है। उससे कौन कौन मिलने आता है, उसका बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंश्योरेंस, इन सब का मुझे जरूर चाहिए। ओके बॉस। उसका घर, कार, फोन, लोन, बीवी बच्चे, उसकी स्टेपनी कितनी है, उसके पीछे कौन है, इसका डिटेल्स और उसके फैमिली का डिटेल्स, ये सब मुझे चाहिए। लेकिन तुम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुम लोग आज से काम शुरू कर दो। ओके 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 बॉस। अरे आप लोग आप लोग कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही बाइक से घूमने जा रहे थे। चाहिए तेरे को है? जानता है वो कौन है? शंकर पांडे भाई लखन शहर में घूम रहा है। हाँ? वो इस वक्त चेन्नई के माउंट रोड पे है। सुन, लखन अभी बाहर है, उसके परिवार वाले कहाँ होंगे? वो तो अपने पुराने बंगले में रहता है। चलो गाड़ी निकालो। हेलो। ए लखन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस वक्त तू बाहर है। पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तेरे घर पर जा रहा हूँ। क्या बक रहे हो? चिल्ला क्यों रहा है बे? तू भी तो मेरे घर पर आया था। अब मैं तेरे घर जाकर सबका सिर मुंडवा कर उनकी इज्जत की अर्थी निकालूंगा। तू बस देखता जा, देख मैं क्या करता हूँ। गाड़ी निकालो। यहाँ से घर कितनी दूर है? 22 किलोमीटर। और शंकर पांडे का? 13 किलोमीटर। लेकिन सुनिए सुनिए, आप इसे अंदर नहीं आ सकते। यहाँ से निकल जा वरना जान से मारा जाएगा। मुझे चाहिए तुम लोगों के कपड़े और सिर के बाल, वो भी अभी के अभी। जब लखन आएगा उससे कह देना अपनी मूछें मुड़वा कर औरतों की तरह बीच बाजार में चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुप करो, ये बुढ़िया मुझ पर चिल्ला रही है। हे भगवान। लखन, तू मेरे बेडरूम तक पहुंचा था ना, यहाँ मैं तेरे किचन में पहुंच चुका हूँ। देख ली शंकर पांडे की हिम्मत? तू वहाँ एक कांटा तक नहीं ला सकता। तू तो किचन तक पहुँचा है ना, मैं तेरे घर को कैद कर चुका। बकवास कर रहा है तू, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त तू चेन्नई के माउंट रोड में है, मुझे पता है। मानता हूँ माउंट रोड में हूँ। तुझे पता है तेरी बीवी माउंट रोड के पब्लिक से लुटने वाली है। क्या बक रहा है बे? यकीन नहीं हो रहा है तो तू अपनी बीवी की आवाज सुन ले। दरवाजा खोलो लखन, दरवाजा खोलो। कपड़े बदलने के लिए मेरे पास एक कपड़ा भी नहीं है, मैं कैसे बाहर आऊं? दरवाजा खोलो। क्यों, सुन लिया ना? ए, ए, ए। क्या करूं, खोल दूं दरवाजा? रुक जा। तो फिर मेरी बात सुन, मेरे घर से बाहर निकल। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी बाहर निकल, जाके रोड पे खड़ा हो जा, जल्दी। मेरे पहुंचने तक तू रोड पर ही रहेगा। और सुन, कोई चालाकी नहीं। युवेश शंकर पांडे, 10 मिनट में माउंट रोड से यहां तक कैसे पहुंच गया, तू यही सोच रहा है ना? माउंट रोड से एयरपोर्ट का रास्ता सिर्फ 3 मिनट का है, और उस शहर से ही शहर का फ्लाइट का रास्ता है 5 मिनट का, और एयरपोर्ट से मुझे यहां तक पहुंचने में लगे हैं सिर्फ 2 मिनट। कुल मिलाकर 10 मिनट में यहां तक पहुंचा हूं। समझ गया, झटका लगा ना? तेरे घर वालों की बहुत फिक्र है तुझे, लेकिन तेरी वजह से जो लोग बेघर हुए उनका क्या? मैं किसके घर गया था? तेरे घर गया था। क्यों गया था? बेइज्जती करने के लिए या कोई लफड़ा करने के लिए? मैं तुझसे समझौता करने गया था। ए, रामायण का रावण हो या फिर महाभारत का दुर्योधन हो, जो औरतों पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दूंगा।
अगर कोई मेरे घर में घुसकर मेरे घर वालों की बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो ये समझ ले कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। तू इस गांव का शंकर पांडे नहीं, शनि पांडे है शनि पांडे। तुझे आसपास के सात गांव में साड़ी पहनाकर नहीं घुमाया ना, तू मेरा नाम लखन की जगह जो जी मैं वो रख देना, समझा? ये ले, ये तेरे लिए है, औरतों के बाल और साड़ी। ये ले, ये भी। वे काम कर, ये बाल लगाकर ये साड़ी भी पहन ले। जब तू अपनी बीवी के सामने जाएगा ना तो वो तेरी आरती उतारेगी। थू। अरे स्टार्ट कर। हमें भाई ने अभी तक फ्लाइट का टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, इंतजाम में लगे होंगे। रिटर्न की भी टिकट होगी ना? अरे बिल्कुल होगी भाई। भाई शंकर भाई, ये क्या साड़ी और चोटी, भाई को क्या हो गया है? भाई 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 चक्कर आ रहा है भाई 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 भाई, मेरा तमाशा बन गया है, दुनिया मुझ पर थूक रही है और मैं तुझ पर थू। चलो उतरो सब लोग। ठीक है, आ रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों आए हैं? दरअसल मलेशिया से मेरे चाचा चाची आए हैं, वो मेरी शादी में नहीं आ पाएंगे इसलिए वो राम को देखने आए हैं। लेकिन ये होगा कैसे? आप सिर्फ चलकर उनसे एक बार मिल लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वर्ल्ड में कहीं भी देखो विदेशी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मलेशिया में हर दुकान पर एक हिंदुस्तानी जरूर मिलेगा। अच्छा, दत्ता पुरुषोत्तम, मेंबर पार्लियामेंट इन मलेशिया। आपको जिससे मिलना है वो आ गया है। हेलो यंग मैन मिस्टर राम, कम ऑन, हाउ आर यू? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सिट डाउन, सिट डाउन। ये लीजिए दामाद जी, ये अंगूठी हमारे सामने स्वाति को पहना दो। अंगूठी पहनाने के बाद हम समझेंगे कि शादी हमने देख ली। ये लो पकड़ो, पहनाओ। स्वाति कम। बड़ों का कहना मान ले बेटा, आखिर शादी तो तय हो चुकी है ना? ये नहीं हो सकता माँ। तू इनकार क्यों कर रहा है, सबका दिल टूट जाएगा, पहना दे। नहीं पहना सकता माँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं राम नहीं हूँ, तुम्हारा खोया हुआ दूसरा बेटा हूँ माँ। मैं लखन हूँ माँ, हाँ मैं वही बच्चा हूँ। तुम हमारे साथ मलेशिया चलो, कुछ दिन वहां रहोगी तो सब कुछ भूल जाओगी, मैंने टिकट बुक करवा दिया है। हम बहुत खुश हैं बेटा। लखन भाई ने सच्चाई बता दी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। लेकिन चाचा मुझे मलेशिया लेकर जा रहे हैं। तुम वहां रहोगी तो ही ले जाएंगे ना, तुम वहां से सीधी यहां पर चली आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे बहन तुम अभी तक सोई नहीं? लखन भैया, जिस तरह तलवार उठा पाते हैं उस तरह तलवार कोई भी नहीं उठा पाता। चलो उठाओ तलवार। ऐसे ना, मेरे इस खून में इस घर का भी नमक है बहन, मैं इस घर वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। हाँ मैं राम हूं। आप लखन नहीं है? यहां तो सब बड़े नजर आ रहे हैं, मेरी उम्र का तो कोई नजर नहीं आ रहा। ए, स्वाति, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हारी और राम की जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम शांति हो ना? हाँ बाबा।
ए शांति इधर आओ, ये कौन है? ये स्वाति है। कौन हो तुम? स्वाति। नाम पूछा तो शादी बोल रहे हो, कौन हो तुम? अरे शादी नहीं स्वाति, हम दोनों दसवीं तक एक ही साथ पढ़े हैं। उस स्कूल का नाम क्या है? आर एन इंटरनेशनल। ये कहाँ पर है? चेन्नई में। मैं गधा हूँ क्या? तो कुछ भी क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ कैसे आई बेटा? एसटीवी चैनल के लिए हम इस गांव की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। शांति, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? हाँ है ना, मिलवा दूंगी, ऊपर है। अरे बाप रे, मर गया भैया। ये है मेरी फ्रेंड स्वाति। हेलो। नमस्ते। ये गांव है, शहर का रिवाज यहाँ नहीं चलता। चेहरे से तो वही लग रहा है, व्यवहार क्यों अलग हो गया? भैया आप अपनी गाड़ी से तिरुमला तक हमको छोड़ देंगे क्या? ऐसे कपड़ों में मेरे सामने दोबारा मत आइएगा। और बहन इन्हें लहंगा चोली पहनाओ, फिर मैं छोड़ दूंगा। शांति, ये राम ही है ना? हाँ, एक्टिंग कर रहे है। अब मैं दिखाती हूँ इसे। ये क्या दिखाएगी? अभी आई, अभी दिखाने वाली है। देखता हूँ ये क्या दिखाती है, मैं भी साथ में निकल लेता हूँ, देखने में मजा आएगा। स्वाति, ये स्वाति, जरा रुको तो। अरे जाने मन, जरा पलट तो। आय हाय, जरा देखो तुम्हारा रांझा तुम्हें बुला रहा है। इस लहंगे में बिल्कुल परी लग रही हो, परी। ए हसीना, कहाँ चली? हाँ है चड़ी जापानी, ना कर तू ना दानी, जो माने ना रानी, हाँ होगी बड़ी परेशानी। है चड़ी जापानी, ना कर ना दानी, माने ना रानी, तो होगी बड़ी परेशानी। तेरी अदाओं पे मैं फिदा हूँ रानी, मैं फिदा हूँ, हूँ मैं तेरा आशिक तेरा दीवाना, मुझको ना तड़पा। छेड़े है देख देख के तुझको मेरे अरमा जागे। छोड़ो बात बनाओ ना, तुम जाके अपना काम करो, बिना बात के मुझको ना तुम ऐसे यूं बदनाम करो। बात मेरी सुन ले, प्यार के सपने बुन ले। अरे किसकी हिम्मत है मुझसे यूं कर दे छेड़खानी। देखो तुम देखो सपने मोहब्बत के, देखो मेरी अब चल हट जा। तेरी अदाओं पे मैं फिदा हूँ रानी, मैं फिदा हूँ, सारे आशिकों से मैं जुदा हूँ रानी, मैं जुदा हूँ। है चढ़ी जवानी, न कर तू ना दानी, जो माने ना रानी, तो होगी बड़ी परेशानी। वाली ना चाल चलो मत भाली, आगे बढ़ी कहानी तो हो जाएगी बदनामी। देख चढ़ी जवानी, हो गए सब पानी पानी, तू जहाँ से गुजरे सब बन जाए दीवाने।
अच्छे से मुस्कुरा। टीवी पे दिखाएंगे दीदी? हाँ बाबा दिखाएंगे। घर में फिश सबको ज्यादा पसंद है। हम लोग फिश का पिसा हुआ मसाला ही फ्राई करके यूज करते हैं। बाहर का मसाला ज्यादा टेस्टी नहीं होता, घर का मसाला ताज़ा होता है। बाहर के मसाले में मिक्सिंग होता है, कलर भी नहीं होता है, इसलिए वो इतना टेस्टी नहीं होता है। हाँ, क्या काम है? तुमसे कुछ बात करनी है। किसका फोन है राजा? STD कॉल था। कहाँ से आया था? अलीबाग से। वो कहाँ पर है? चौपाटी में। चौपाटी कहाँ है? टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर किधर है? बेसमेंट के नीचे। अच्छा है? ए भाई, तुम जो एड्रेस बता रहे हो वो तो नीचे है। ये मैंने कब कहा? तो किसका फोन है बताओ? ये देखो, इससे बात कर रहा था। अरे भाई, यही रहकर दोनों ये खेल खेल रहे हो? अरे डायरेक्ट बुला कर बात कर लेते ना। स्वाति, तुम एक काम करो, शंकर पांडे के घर जाओ और उसकी वाइफ का इंटरव्यू लो। अपने ग्रुप को भी साथ ले जाना। और भाई साहब, इनके साथ देखो मेरी बात सुनो, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। मेरी खोपड़ी खिसक गई तो मेरे हाथ से मारा जाएगा। आप चलिए, ये है ना, ये तो बच जाएगा, लेकिन मैं वहाँ बच जाऊंगा क्या? जरा हिम्मत से काम लो यार। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। हिम्मत से जाओ करके ढकेल रहे हो मरने के लिए। अच्छा, क्या वहाँ शंकर नहीं होगा तब जाना? शैतान घर में कब नहीं रहेगा, मुझे क्या पता। उसके घर वालों से फोन करके पूछो। ये क्या कह दिया? चलो भैया, फोन करके पूछो। अरे चलिए। अरे बाप रे, मर गया। हाँ लो, मैं आ गई। ये जो मैं बोलूंगी वो टीवी पर कब आएगा? नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम नेशनल चैनल पर आएगा। ये इतनी हिम्मत से बात कर रही है, मेरी धड़कन रुकी जा रही है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा। जरा जल्दी कीजिए मैडम, मुझे जरूरी काम से जाना है। तो स्टार्ट करें। ये शंकर पांडे की फैमिली फाइल है। उसकी 17 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है, दोनों कोडाईकनाल में पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी मेन इनकम अथर्वा इंजीनियरिंग कॉलेज से है, वो मुंबई में पिछले एक साल से है। उसका डोनेशन और मिसेलेनियस और सारे फंड्स मिलाकर 20 से 25 करोड़ रुपया आता है। इस फाइल में लास्ट 3 डेज में शंकर किस किस से मिला है उनकी फोटो के साथ पूरी डिटेल है। इसमें उसके प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स है। इन सबूतों से उसकी खटिया तो खड़ी हो जाएगी ना। 100% राम। और एक खास बात, शंकर पांडे एक बहुत बड़ा स्मगलर भी है। उसका सबूत नहीं हमारे पास, लेकिन हमें उसके घर से वो सबूत ढूंढने ही होंगे। और अगर वो हमें मिल गए तो शंकर पांडे कानून के हाथों से नहीं बच पाएगा। एनीवेज, हम इन सबूतों के आधार पर ऑपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों? हम तैयार हैं सर। साहब साहब साहब, हमारी दुकान से सारा माल लुट गया है साहब, हम तो बर्बाद हो गए। कितना माल गया है तुम्हारा? 20 बोरी तक गया है। यकीन के साथ कह रहे हो? जी साहब। डॉग स्क्वाड को जल्दी लेकर चलो। सर, ये तो शंकर पांडे का गोदाम है। अरे पुलिस ने रेड मारा है, जरूर कोई खास बात हो। राशन की दुकान को मैंने लूटा है? थू, इतना घटिया काम मैं करूंगा और इसके कहने पर मुझ पर शक कर रहे हो? सर पूरा गांव गवाही दे रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। कांस्टेबल सर्च इट। सर्च करना है तो करो। देखो ये लो, ये देखो। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, पहले वहाँ पर तो देखो क्या है। ए, ये तो खाली बोरियाँ हैं। पूरा सर्च नहीं करेंगे तो सबूत कैसे मिलेगा? देखिए सर, यही बोरियाँ हैं, इन पे सरकारी मोहर लगी हुई है और नंबर भी लिखा हुआ है सर। मालिक मुझे माफ कर दो मालिक, ये गलती मुझसे हुई है मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ले जाओ इसे। चोरी का माल तुम्हारे गोदाम में कैसे पहुंचा, यही सोच रहे हो? अरे ये तो शुरुआत है, अंत नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तेरे काले कारनामों की पोटली बनाकर तेरे दरवाजे पर टांग दूंगा, हार चढ़ा देना। हैवान बनकर तुम जनता को लूट सकते हो, लेकिन सरकार के अनाज का एक दाना भी हजम नहीं कर सकते तुम। मेरी जबान बहुत काली है। एक बात बताऊं, ये किसी और ने नहीं, मैंने ही करवाया। बुरे कामों को छोड़ दो, सच कह रहा हूं तुम्हें गले लगा लूंगा।
बस अब तुम सुधरने की कोशिश करो। अपने आप को सुधारने से पहले तेरे सिर को धड़ से अलग करके फुटबॉल खेलना है कमीने। खेल के हिसाब से खेल होना चाहिए, गाने के हिसाब से गाना और जंग के हिसाब से जंग। सिर का सवा सिर अब तुझे मिला है, तेरी भलाई के लिए समझा रहा हूँ। अब भी वक्त है, समझ जा। ये गोदाम हो गया है सील और बज रहा है तेरा बेल। अगला समाचार तू मोबाइल में सुन। लगता है इनकम टैक्स वाले तेरे घर पहुंच गए हैं। ए जी, आप कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, हमारे घर की तलाशी हो रही है। तलवार टूट कर मुठिया रह गई, डुम 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 डुम। पुलिस गई तो इनकम टैक्स आए, डुम 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 डुम। इसी तरह बजेगी तेरी, डुम 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 डगा, डुम 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 डुम। सुधर जा। आप जितने लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों का नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें? और क्या करूं, सबको बाहर निकाल दूं, सब मेरे रिश्तेदार हैं। ये बताइए, इनकम से ज्यादा पैसा आपके पास कहां से आया? मैं एक एक्स मिनिस्टर हूं सर, ये सारे पैसे मेरे अपनों के हैं, बच्चों की शादी के लिए। आपके गांव में मरे हुए लोगों को 3-3 लाख रुपया सहायता देने की घोषणा की थी, वो आपने ब्यौरे में लिखा है क्या? किसी को बस का भाड़ा तक नहीं देता। पहले लोगों को आपस में लड़वा कर मरवाता है, फिर सरकारी खजाने से बादाम लाकर खुद खाता है। आप चेक देते हैं या कैश देते हैं? मैं किसी को कुछ नहीं देता। फिर ये सब क्या है? ये पैसा आपके फंड से गया या अकाउंट से? पांडे जी, आपकी महफिल जमी है नहीं, आगे और भी झटके खाने बाकी हैं। एक एक करके सारे झटके खाते जाइए। ओके, कल आईटी हेड ऑफिस में आकर सारा रिपोर्ट सबमिट कर देना। सीज ऑल द प्रॉपर्टीज, क्लोज ऑल द लॉकर्स, रिपोर्ट आने तक सारी चीजों को सीज कर दो। शंकर पांडे के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे गांव के कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं? 15 लोग पढ़ रहे हैं और 2 लोग प्यून का काम कर रहे हैं। लखन भैया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल मत घबरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर सभी स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में सीट मिल जाएगी। सर, मैं हूँ इस कॉलेज का प्रिंसिपल और यह कॉलेज शंकर पांडे जी का है। इस कॉलेज के छात्र ड्रग्स यूज कर रहे हैं, उसमें इस कॉलेज का मैनेजमेंट साथ दे रहा है, ऐसी हमें खबर मिली है। मैनेजमेंट के ऑफिस से पियोन हमें लाकर देता है। बोलो कहाँ से मिलते हैं? नहीं मालूम साहब। हाँ साहब, माल प्रिंसिपल। मेरी यहाँ बहुत इज्जत है, आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इस जगह की भी तलाशी लो, कम ऑन, सर्च एवरीथिंग। टेबल के नीचे देखो, सारे ड्रॉ खोल कर देखो। ये देखिए सर, यहाँ पर गांजा है। ये क्या है? गांजा रखा हुआ है। सर मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी मर्जी के बिना ये अपने आप यहाँ आया, ये तुम ही बेचते हो। यहाँ पे अकाउंटेंट बैठता है सर। कौन है यहाँ का अकाउंटेंट? मिस्टर शंकर पांडे के पीए। जी सर, संभल कर बात करना। मैडम, सच्चाई क्या है बता दो, आपकी जान बच जाएगी। ए, ये लड़के लोग कौन हैं? सभी लखन के गांव के हैं। समझ गया, ये भी समझ गया कि किसने करवाया है। ए जी, उस दिन आपसे लखन दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था ना। वरना गला दबा दूंगा तेरा। चुपचाप अंदर चली जा, मेरे मरने से पहले ही सफेद साड़ी पहनने का इरादा है क्या? विधवा होना है? सर मुझे अरेस्ट कीजिए। सर अकाउंटेंट कहाँ है? किस लिए? इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, कॉलेज का फाउंडर भी मैं ही हूँ। अरेस्ट करो मुझे। I'm sorry सर, फोन मुझे दीजिए। शंकर पांडे है का? हाँ है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकता। अरे भोले ही कुछ न कहे, लेकिन वो हमारी बात तो सुन ले, जरूरी बात है। कुछ बोलना मत, सिर्फ सुनना। ए शंकर पांडे, क्यों मुंह पर भी ताला लग गया ना? अब एक काम कर, मेरी बात सुन। तेरे हाथ में जो सेल है, भले ही तू उसकी रिंगटोन ना सुन पाए, लेकिन तेरे कॉलेज की घंटी मैं सुनने जा रहा हूँ। सेंट्रल जेल के सेल में एक सेल तेरी भी है, तू वहीं जाकर रह, वहां की गंदगी से तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, समझा? अभी तो जेल जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे निकालने का इंतजाम करो, मेरे आने तक कुछ मत करना। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, उसके खानदान को खत्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। स्वाति तुम यहाँ? मुझे डर लग रहा है राम, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। मेरे भाई ने जो बीड़ा उठाया उसे पूरा करना मेरा फर्ज है स्वाति, उसके लिए जितना भी रिस्क उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। तुम यहाँ से चले जाओ स्वाति। मुसीबत में साथ छोड़ने वाले अपने नहीं होते राम, मैं तो तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। भैया मैं चलती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। बाय राम। ये तो शंकर पांडे के आदमी है। चलो।
आ जाओ। हमें जरूर करना। शांति। क्या? स्वाति, चलो। चलो। निकलो यहाँ से। तुम जाके अंदर चेक करो। जाओ, जाओ। तुम लोग घर पे ही हो ना? लेकिन क्यों? क्या बात है? कोई भी घर से बाहर मत निकलना। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ लखन? आप लोग कहाँ पर हैं? हाईवे वाले पेट्रोल पंप पर हैं। साथ में कौन कौन है? चाचा जी, बड़े भाई और कुछ गांव वाले हैं। क्या हुआ लखन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई लफड़ा हुआ क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो अंदर आके खाना खा लो। अच्छा, दादी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। खेत में गई है, खाना वहीं खा लेगी। साथ में कौन है? ए मुत्तू स्वामी, तू अपनी बेटी की शादी कब करवाएगा? अगले महीने के आखिरी हफ्ते में करवा रहा हूँ। कहीं से उधार मत लेना, मैं अपने बच्चों से कहकर शादी का सारा इंतजाम खुद ही करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। दादी! एक गले में जलन क्यों हो रही है? दादी माँ! तूने क्या दिया मुझे? पानी, पानी। क्या दिया? क्या दिया? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। पानी, पानी। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? माँ, हे माँ, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? वो उठ नहीं रही है। ये कैसे हो गया? क्या हुआ माँ को? क्या हुआ? अब क्या होगा? ये तुम्हें कहाँ पे मिली? अरे कैसे हो गया ऐसा? दादी माँ बेहोश पड़ी थी। कुछ पता नहीं है। मुत्तू मणि से जाके पूछ, खाने में जहर क्यों डाला था? कौन सा घर है? यही वाला घर है। हे भगवान, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें नहीं मरना, ये क्या किया? मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं शंकर पांडे के कहने पर आप लोगों के साथ गद्दारी कर गया। तू सड़क पर भूखा मर रहा था, तब दादी ने तुझे सहारा दिया था। उस देवी को जहर देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो शंकर पांडे जमानत पे छूट गया। आज शाम को ही ये काम हो जाना चाहिए। आजा आजा, बहुत थका हुआ लग रहा है। घर में श्राद्ध चल रहा है क्या? मैं किसी पर रहम नहीं करता। छह की छह गोली तेरी खोपड़ी में उतार देता, समझा? निशाना देखा मेरा? तेरे लोगों के सामने तुझे भून सकता था। तुम जैसे गटर के कीड़ों को कभी सफाई रास ही नहीं आती। गंदगी के कीड़े गंदगी में ही रहते हैं, तुझे वही रहना है, तेरी वही औकात है। तूने मेरे बाप का खून किया, इसलिए तेरे कॉलेज में गांजा रखवाया। तेरी प्रॉपर्टी की लिस्ट आईटी वालों को दे दी, ये उसी का बदला है। सब जानते हैं तेरा कॉलेज हराम के पैसों से बना है। बकवास बंद कर। तेरा बाप धनराज पांडे 22 एकड़ जमीन सन 1963 में किसानों से खेती करने के बहाने ली थी। उसके सारे कागजात मेरे पास है। उसने किसानों को उनकी जमीन से फायदे का हिस्सा देने का वादा करके उन गरीब किसानों को धोखे से मनाया था। और तूने तहसीलदार और सर्वेयर को पैसों के दम पर खरीद कर और अपने हराम के पैसों के बलबूते पर जमीन को अपने नाम करवा कर वहां पर कॉलेज बनवाया। इस नक्शे के मुताबिक प्लेग्राउंड आगे है और पीछे है तेरा कॉलेज। तूने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाया है वो सब इलीगल है। अगर मैंने ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंक्वायरी डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन को बता दिया तो तीनों से तेरे कॉलेज के डिमोलिशन का ऑर्डर आ जाएगा। गरीबों का खून चूस कर तिजोरी भरने का तेरा ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। पुलिस, विजिलेंस, नार्कोटेक्स, इनकम टैक्स, इन सब से तेरे घर में रेड करवाया। अब बचा है सिर्फ एक डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कल वो भी पहुंच जाएगा। हजार बकरे काट कर इंसान बच सकता है, पर एक जंगली जानवर मार कर नहीं। तूने वही किया है। ए, इसका सबूत क्या है? ए, तुझे सबूत चाहिए? तेरे घर की तस्वीर सबूत है, तेरी बीवी सबूत है, देख ले। आप ये बताओ, आपके घर में जानवरों की खाल, सिंग और गर्दन रखी, क्या वो असली है?
और वो उधर शेर पर पैर रखकर खड़े है, वो कौन है? वो मेरे पति हैं। वो बहुत बड़े शिकारी हैं। हमारे गांव के बाहर बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत सारे जानवर हैं। वो सारे जानवरों का शिकार करते हैं, बारासिंगा, शेर, हिरन, चीता, खरगोश, जंगली गाय, उन सभी जानवरों को उन्होंने अपने हाथों से मारा है और 3 महीना वहाँ रहकर पूरा जंगल साफ कर दिया है। आते समय एक हिरन को लेकर आए थे, उसका मांस हम लोगों ने जी भर के खाया। ये रिपोर्ट अगर वहाँ तक पहुँच गई तो तेरा पूरा परिवार जेल में सड़ेगा। अगर तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ लग गया तो तू उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा शंकर पांडे। वो पूछेंगे तूने ऐसा क्यों किया, तेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इस देश के लोग तुझे इस देश का मुजरिम समझेंगे। तू अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, इस धरती माँ का मुजरिम है। अगर तू सिर्फ इसकी सजा सुन ले तो तू अपने आप डर से मर जाएगा। वैसे इसके बाद पुलिस तुझे छोड़ने वाली है नहीं, तू जेल जरूर जाएगा और तुझे जेल भेजूंगा मैं। मुझे जरा वक्त चाहिए। किस लिए? सुधरने के लिए। सुधरने वाला वक्त नहीं मांगता, सुधर जाता है। बोलो क्या बात है? तुम्हें एक खास बात कहनी है, शंकर पांडे के लोगों ने दादी माँ को जहर दे दिया है। क्या? दादी माँ सीरियस है, पता नहीं वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था बता? लखन से बात कर रहा था। चल चल मेरे साथ चल, चल। इतना बड़ा झूठ बोल रहा था, पता किसके साथ बात कर रहा था? बता। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, यहाँ पर जो है लखन नहीं, राम है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यहाँ जो भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी है। निकालो इसे, निकालो ये। चल निकल यहाँ। आज तूने अपनी औकात दिखा दी ना, आज तुझे सिंगल करूंगा मैं। ये झूठ है अंकल। मारो इसको, मार मार के हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। यहाँ से तूने हम सब के विश्वास का गला घोटा है, तू विश्वास के लायक नहीं है। हमारे खानदान का खून होता तो कभी ऐसी हरकत नहीं करता। सच्चाई जानने के लिए दादी से पूछिए। चुप हो जा। मैं चुप नहीं रहूंगी राम। रोज रोज जिनके नाम की तुम माला जपते थे और आज यही लोग तुम्हें मारने पर उतर आए हैं। आप लोगों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। स्वाति बहुत हो गया, चुप हो जाओ आप। बच्चे की भलाई चाहने वाले माँ बाप अपने बेटे के हाथ में अक्सर तलवार देकर बाहर भेजते हैं क्या? लखन आपके खानदान को बचाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता है। वो जब भी तलवार लेकर बाहर निकलता है तब किसी ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। वो अगर आपकी अपनी औलाद होती तो रोकते, वो तो किसी और की औलाद है, वो जिए या मरे। स्वाति चुप, तुम बोलने वाली होती कौन हो? किसने हक दिया तुम्हें ये? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। स्वाति तुम रो क्यों रही हो? मैंने डांटा इसलिए? तो फिर तुम्हें मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ा? स्वाति तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हाँ माना कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो क्या हुआ, मैं भी उनके औलाद जैसा ही हूं ना। वो कैसी बातें करते हैं मुझसे, तुमने खुद देखा है मैं तुम्हारा लवर नहीं हूं, सबकी नजर में हस्बैंड हूं। तो तुम घर चली जाओ अपने माँ बाप के पास। भाई हो गई है। भाई हम लोगों को जिसने बर्बाद किया है वो लखन नहीं राम है। हाँ? ये कौन सा ड्रामा है? मेरी तलवार में जंग नहीं लगी होगी पर लखन के खून के लिए उसकी धार तेज करनी होगी। भैया शांति। दादी दादी कुछ नहीं बोल रही है भैया। बाप रे भैया, घर चलो, दादी को एक बार देख लो। रो मत बहन, चलिए ना भैया अंदर चलिए। शंकर पांडे की लाश बिछाए बिना इस चौखट पर पैर नहीं रखूंगा मैं। गाली निकाल। भैया सुनो, हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर शंकर पांडे पे एक्शन ले सकते हैं। जो शुगर मिल मुझे नहीं मिली मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। अब मेरा ये गांव छोड़ने का वक्त आ गया है, मेरे सारे दुश्मनों की समाधि यही बनेगी। हमने उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया है उसके अगेंस्ट में वो जो भी कदम उठाता है हमें उस पर नजर रखनी होगी। मिल में काम करने वाले सारे मजदूरों को 2 बजे की शिफ्ट में बुलाओ। 2 के बाद मिल बम के धमाकों से गूंजनी चाहिए। धमाका सुनकर गाँव वाले जैसे ही घर से बाहर निकले
उनमें से चाहे जो हो, बच्चे बूढ़े जवान सबको उड़ाते जाओ। किसी को भी जरा भी शक हो तो मुझे इन्फॉर्म करना है। हमारे खिलाफ उठने वाली आवाज बचनी नहीं चाहिए। सांप को दूध पिलाने से कभी न कभी पछताना ही पड़ता है। रुक जाओ लक्ष्मी, हम लोग कल चलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, परसों मैंने इंतजार किया है। मैं जाके उनसे कहूंगी कि लखन को मुझे दे दे, वो मना नहीं करेंगे। एक बाँ की बात को नहीं टालेंगे। हे शंकर पांडे, बाहर निकल। उठ, उठ। शंकर कहाँ है? शंकर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दादी माँ कहाँ है? ए राम, तेरी सारी सच्चाई मैं जान चुका हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, तुझे देखनी है ना? शुगर फैक्ट्री के धमाके से सब कुछ समझ जाएगा तू। गांव में कोई भी नहीं बचेगा। और सुन, तेरी लाश पर भी रोने वाला पूरे गांव में कोई नहीं होगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा डिटेक्टिव समझता है ना? हिम्मत है तो बचा ले गांव वालों को। जा। हाँ, मैं गांव से बोल रहा हूँ राम। गांव में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने दो चोरों को पकड़कर बाजू की चौकी में डाल दिया। वो कह रहे थे कि आंध्रा से हैं। कौन है वो लोग? आंध्रा से चोरी करने आए थे। आंध्रा से यहाँ चोरी करने आए थे? हाँ सर, आंध्रा से चोरी करने आए थे। शुगर फैक्ट्री में चोर घुसे थे, पर वहाँ तो कैश नहीं रहता। लेकिन शक्कर तो होगी ना? हो सकता है टूल्स चुराने गए हो। शुगर फैक्ट्री में इतनी सिक्योरिटी के वहाँ चोरी नहीं हो सकती। एक खुशखबरी है भाई, शुगर मिल में कल नाइट शिफ्ट में और आज सुबह की शिफ्ट में कोई काम पे नहीं आया। सारे वर्कर्स को 2 बजे की शिफ्ट में बुलाया है। लेकिन दोनों शिफ्ट वालों को एक ही शिफ्ट में क्यों बुलाया? राम, हमें इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लगता है कोई नई चाल चल रहे हैं वो। एसपी साहब ने ओके कर दिया है, हमारा चीफ जाकर उससे बात कर सकता है। जरा मैं बात करता हूँ। तुम दोनों आंध्रा से हो? हाँ भाई। तुम्हारा नाम क्या है? चोपड़ा। राकेश। तुम लोग आंध्रा से हो ना? बोल, बोल किसने भेजा? बोल, बोल, बोल किसने भेजा? बोल, बोल, बोल। शुगर फैक्ट्री में बॉम्ब लगा है, तो मुझे फट जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो जल्दी। भैया एक सीरियस मैटर है, बताओ क्या करें। राम, चलो सब जल्दी निकलो, जल्दी सामान बाहर निकालो, चलो जल्दी निकलो यहां से, जल्दी करो। शंकर पांडे ने शुगर फैक्ट्री में बॉम्ब रखा है, चलो जल्दी निकलो, बाहर निकलो। बॉम्ब लगा दिया, भागो। हेलो, बात मत करो, फोन काटो, सीधा घर जाओ, जो कहे वो करो। ठीक है, जाता हूँ। माँ जी, बचपन में हमारा बेटा भी छड़ गया था, अब हमारा बेटा हमें वापस कर दीजिए। रामायण में भी तो एक बच्चा अपनी माँ से 14 साल तक दूर रहा। हर जगह ढूंढो, चप्पल चप्पल छान मारो। ठीक है, देखता हूँ, देख कर बताता हूँ। सामने से 20-25 लोग भागते हुए आ रहे हैं। चारों तरफ देखो, देखो कौन कहां से आ रहा है, जल्दी। सामने वाली गली से दो लोग हथियार लेकर आ रहे हैं। आजू वाले दीवार के पीछे दो लोग छुपे हैं।
इसके नीचे बॉम्ब है। जल्दी करो। राम, मेरे बच्चे। शंकर पांडे का है, बता। पुराने वाले राइस मिल में छुपा हुआ है। अभी तक बॉम्ब फटा क्यों नहीं? ए, दो की जगह ढाई बज गए। आ गया तू? आ जा। तू बहादुर होता तो मर्द की तरह बाहर होता, चूहा है जो अंदर छुप कर बैठा है। क्या सोचा बच जाएगा? पैदा किया है, तुम्हारा हक बनता है। तुम ले जाओ उसे, ले जाओ उसे। वो मुझे देखेगा तो नहीं जाएगा, इसलिए उसे आप लोग बाहर से ले जाओ। कोई फिक्र मत करो, आप लोग जाओ। लखन, हंस गया? हंस गया ना भाई? मारना मत, मारना मत। मैं नहीं मारूंगा, ये खुद मरेगा। भाई इसे मारना नहीं है, मैं अभी जाकर वो लीवर खींचता हूँ, तब तक तुम इसे कुछ मत करना। मेरे हाथों तू मरता तो तेरे खानदान वाले मेरे नाम का रोना रोते, इसलिए भगवान ही काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान आसमान में रहते हैं, पर वो तो धरती पर ही है, इसलिए वो ये चमत्कार कर रहे हैं। रुक जाइए, अब तू यहां मरेगा और तेरी बोटी बोटी चिलकौवे नोच नोच कर खाएंगे, तब तू ने बताना तेरा पावर। अगर तुझे भगवान बचा लेगा ना, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शंकर पांडे। तू क्या समझता है शंकर पांडे मौत से डरता है? मौत मुझसे हमेशा डरती है। ट्रैक लॉक हो चुका है, अगर मैंने चेंज किया तो खतरा हो जाएगा। मैं अकेले नहीं मरूंगा, तेरे सामने ट्रेन के सारे लोग भी मारे जाएंगे। ये तमाशा तो खुद अपनी आंखों से देखेगा, तबाही मच जाएगी। रोड में बम लगा सकता हूँ, घर में लगा सकता हूँ, फैक्ट्री में लगा सकता हूँ, तो क्या अपने आप में बम नहीं लगा सकता? मार मुझे। अगर आगे बढ़ा तो मैं इसे दबा दूंगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। ट्रेन के पैसेंजर्स की मौत का जिम्मेदार तू बनेगा और जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। तूने मुझे बहुत सताया है राम, अब जिंदगी भर तू तड़पेगा।
गटर के कीड़े की तरह सड़क पर पैदा होने वाले तुझ जैसे को इतना गुरूर है, तो असल बाप के बेटे शंकर पांडे में कितना जुनून और गुरूर होगा सोच ले। हे, उसे कुछ मत करना। से मैंने तुझे ले जाने की बात कही, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा कि मैं तुझे ले जाऊं। ये खुशखबरी मैं तुझे बता रही हूँ, वो भी तो एक माँ है ना। हाँ। मैं उनका दर्द समझती हूँ बेटा। दादी माँ, लगा ना। दादी माँ, बाहर आइए। दादी माँ, चाचा चाची, शांति कहाँ हो तुम? बाहर आओ सब लोग, बाहर आओ सब लोग, बाहर आ जाओ। क्या तुम लोगों पर मैं बोझ बन गया हूं? चाचा जी, मैं बोझ बन गया हूं क्या? ओह, तो इसमें सब शामिल हैं। दादी माँ, सब कुछ खत्म कर दिया ना? मेरे माँ बाप ने भी यही कहा था मुझसे, मैंने इनकार कर दिया। तो क्या मैं इस घर को छोड़कर कहीं चला जाऊं दादी माँ? ठीक, चला जाता हूं, चला जाता हूं यहां से। पर मेरा चेहरा देखकर मुझसे कहो, कह दो कि यहां से चले जाओ। कह दो दादी माँ, क्यों नहीं बोलती कि चले जाओ? नहीं बोल, बोलो ना। नहीं बेटा, मैं नहीं बोल सकती बेटा, मैं नहीं बोल सकती। किस मुंह से कहूं तुम्हें जाने के लिए बेटा? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाने देते, हमें छोड़ के बाहर जाओ, नहीं जाने देते। माँ, उसे रहने दो माँ, उसे यहीं रहने दो माँ। अगर वो हमारे साथ आएगा तो तुम्हारा प्यार आधा मुझ में बट जाएगा और आधा लखन में, और मैं ये नहीं चाहता। उसे यहीं रहने दो माँ, उसे यहीं प्यार से रहने दो। अगर वो यहाँ रहता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो आपका ही बेटा है। और वो इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा है ना माँ? अगर वो हमारे साथ गया तो ये सारे घर वाले बहुत दुखी हो जाएंगे, ये सब उसे बहुत प्यार करते हैं माँ। लखन को यहीं रहने दो माँ, लखन को यहीं रहने दीजिए पिताजी। आप लोग मत रोइए, मत रोइए। एक औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैं ये भूल गई थी कि आप लोगों पर क्या बीतेगी। मैं तो पिछले 25 साल से अपने दूसरे बेटे से मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा जिंदा है। और आज तो मेरा बच्चा जवान होकर मेरी आंखों के सामने खड़ा है। माँ जी, आप तो मुझे समझ सकती हैं कि 25 सालों से एक माँ अपने औलाद के लिए तड़पती रही है, और उसी औलाद को जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, अगर उससे बिछड़ गया तो उसकी क्या हालत। तो मैं नहीं कर सकती ऐसा। हाँ बेटा, ये आपका बच्चा है, आप ही का बेटा है। हाँ, आप तो बेटा है।